प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू ही हमारे जीवन का शक्तिमान और दयालु संचालक है। यह दान प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर जो मुझे तेरी की दया से प्राप्त हुआ है। यह बलिदान के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहित दानों के घेरे में ऐसी भावना जगा कि रेवड़ अपनी गड़ेरिया की आज्ञा मानने में और गड़ेरिया अपने रेवड़ की चिंता करने में सदा तृप्त रहे। ऐसा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त से मिलकर तेरे स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।